हम एक सेटअप करने वाले हैं बेटा फिश का टैंक सेटअप। इसके लिए मैंने पूरा सामान ले लिया है, अमेजन सॉइल है यहाँ पर 1 किलो, बेडिंग सॉइल है और थोड़े फर्टिलाइजर और लिक्विड स्ट्रेसिल लिक्विड है, बैकग्राउंड सीनरी है और थोड़ा लिक्विड स्प्रे करने के लिए, और यहाँ पर है हमारे पास ड्रिप फूड यूज वन और थोड़े यहाँ पर रॉक्स हैं ताकि इस्तेमाल कर सके, और थोड़े प्लांट्स जिससे हम कंप्लीट एक सेटअप बनाएंगे बेटा फिश का टैंक सेटअप। इसका कॉस्ट जो है टोटल 600 रुपीज होने वाला है इंक्लूडिंग टैंक। तो चलिए बगैर किसी टाइम वेस्ट के मैं एक टैंक सेटअप करके दिखाऊंगा निमो कैंडी फाइटर फिश के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो देख के एंड तक आपको जरूर बताना, और इसकी फेवरेट पार्ट कौन सा है वो जरूर कमेंट बताना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है नीमो कैंडी बेटा फिश का, जिसका टोटल कॉस्ट 600 रुपीज़ है एक्सक्लूडिंग फिशेस। फिशेस का अलग कॉस्ट है, फिशेस का अलग कॉस्ट था, वो डिपेंड होता है 300-500 रुपये, कभी कभी 1000 रुपये, डिपेंड होता है क्वालिटी के ऊपर। तो 600 रुपीज़ में मैंने सिंपल लो CO2 प्लांट सेटअप करके दिखाया आप लोगों को। इसमें CO2 की ज़रूरत नहीं, विदाउट CO2 जो है ये प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। 2 साल रखो 4 साल रखो कोई दिक्कत नहीं, बस हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करना है और डेली जो है एटलीस्ट 6 घंटे लाइटिंग प्रोवाइड करना है, बस इतना ही है। फिशेस आपकी हेल्थी और हैप्पी रहेगी, प्लांट्स भी और हेल्थी और हैप्पी रहेगी। अभी हमारा सेटअप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।